नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 1 अगस्त 2020। महीने कैसे बीतते जा रहे हैं, कोरोना काल में कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन एक चीज ये है कि बहुत कुछ हम सीख रहे हैं, घर पर रहना, घर से काम करना, या हफ्ते में 5 दिन काम करना, 2 दिन लॉकडाउन होना, सब्जियों की व्यवस्था करना, कोई भी सामान की व्यवस्था करना, कभी कभी भूख लगने पर घर पे सामान ना होना। इन सारी चीजों को कैसे मैनेज किया जाता है, ये हमको सिखा रहा है लॉकडाउन। और लॉकडाउन किस लिए आया है, क्योंकि कोरोना चल रहा है। 1 अगस्त 2020 आज की तारीख, आज जो टर्म होता है अंतरराष्ट्रीय संगठन या पर्यावरण के बारे में हम बात करते हैं, और इसके अंतर्गत आज की जो क्लास है ये पर्यावरण के बारे में है, इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता है, या पूरे इन्वायरमेंट में जो अध्ययन करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। पर्यावरण प्रदूषण समस्या से निजात पाने के लिए अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास चलते रहते हैं। तो इसके 20 क्वेश्चन आज हम देखेंगे, और साथ में आज के करंट अफेयर पे भी हम 10 क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन रोज हम देखते हैं, आज भी 30 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं आज के डेली 30 में। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि मानवीय क्रियाकलापों द्वारा पैदा होने वाला कोई भी प्रतिकूल परिवर्तन क्या कहलाता है। ये जो यहाँ पर बात हो रही है, ये वास्तव में प्रदूषण की परिभाषा ही लिखी हुई है। ये जो प्रतिकूल परिवर्तन है इसको हम क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। अनवांटेड चेंज जो होता है, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा ऐसा चेंज जो अनवांटेड है, तो अनवांटेड चेंज को हम क्या कहते हैं, प्रदूषण कह देते हैं। पर्यावरण में हो रहा है तो पर्यावरण प्रदूषण। अब पर्यावरण प्रदूषण में जल के द्वारा होगा, मृदा के द्वारा होगा, वायु के द्वारा होगा, किसके द्वारा हो रहा है, किसमें परिवर्तन हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इसका नामकरण हम करते चले जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय घटकों के आधार पर प्रदूषण को कितने रूपों में बांटा जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, कई इसके प्रकार होते हैं। इसके अलावा भी और कई सूक्ष्म प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्यतः यही प्रदूषण होते हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका पहला स्टेटमेंट है, प्रदूषण प्राकृतिक हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है, कभी आपने सोचा है कि प्रदूषण प्राकृतिक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, मानव निर्मित भी हो सकता है और प्राकृतिक भी हो सकता है। शोरगुल प्रदूषण का भौतिक गुण है, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भौतिक गुण है शोरगुल होगा। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो भौतिक गुणों के आधार पर जो वर्गीकरण हम करते हैं उसमें जैसे तापमान को ले लेते हैं, शोरगुल को ले लेते हैं, पदार्थ के कणों को ले लेते हैं, रेडियो सक्रियता को ले लेते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से इसका जो वर्गीकरण होता है तो इसमें गैसीय प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ताप प्रदूषण, धूल प्रदूषण, ऐसे इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ये दोनों दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषण है। बायो डिग्रेडेबल पोल्यूशन की बात हो रही है, कौन सा ऐसा प्रदूषण है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ट्राइक्लोमिथेन या डीडीटी, या बेंजोन हेक्साक्लोराइड या बीएचसी, ये तीनों के तीनों जो है अनिम्नीकरणीय प्रदूषण है, जिनका निम्नीकरण नहीं हो सकता है। बायोडिग्रेडेबल अगर इनकी बात की जाए, इसके देखिए जैव अनिम्नीकरणीय जो प्रदूषण होते हैं वो होते क्या है, ऐसे पदार्थ जैसे जो क्लोरीनीकृत होते हैं, हाइड्रोकार्बन, कीटनाशक, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, टाइट्राक्लोरोमीथेन या डीटीटी, इन नामों से इनको जाना जाता है। बेंजोन हेक्साक्लोराइड इसमें आता है, या जितनी भी प्लास्टिक की चीजें होती है जो बेकार हम वेस्ट कर देते हैं। मान लीजिए कि ये रिमोट है और ये रिमोट बेकार हो गया, और इसको हमने जब हमारे यूज के लायक नहीं रह गया तो इसको हमने फेंक दिया। अब ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, है ना, और ये क्या होगा, ये प्रदूषण में ऐसे रूप में योगदान करेगा जो लंबे समय तक चलेगा, बहुत लंबे समय तक चलेगा, अपघटन या फिर इनका नहीं होगा या बहुत धीरे धीरे होगा। तो इसका डी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उसका पहला स्टेटमेंट है कि जैव निम्नकरणीय प्रदूषणों का अपघटकों द्वारा अपघटन नहीं होता है। पहला स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जैव निम्नीकरणीय की बात हो रही है। एक चीज मैं ऊपर वाले प्रश्न में बताना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा शायद ये इंग्लिश में गड़बड़ हुआ है, एक मिनट। यहाँ पर लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन, और यहाँ पे था निम्नीकरणीय और अनिम्नीकरणीय, तो ये यहाँ पे
मतलब बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ये गड़बड़ है, या फिर यहाँ पे नॉट लगाइए या इसका अन लगा के बनेगा, जैसा भी बनेगा। अगला जो प्रश्न है, जैव निम्नीकरणीय जो प्रदूषण होते हैं, प्रदूषणों का अपघटकों के द्वारा अपघटन नहीं होता है, ये कह रहे हैं जो जैव निम्नीकरणीय होते हैं उनका अपघटन होता है, जो जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं उनका अपघटन नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये गलत दिया हुआ है जैव निम्नीकरणीय, और बात हो रही है जैव निम्नीकरणीय अनिम्नीकरणीय की। तो जैव निम्नीकरणीयों का अपघटन जो होता है वो हो पाता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इसे सही तरीके से नियंत्रित करने पर यह एक उपयोगी संसाधन साबित हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। कैसे सही है? मान लीजिए कि ये प्लास्टिक आपकी यूजलेस हो गई, मैंने एग्जांपल दिया था, और आपने इसको उठा के फेंक दिया। अब जब आपने इसको फेंका तो ये क्योंकि अनिम्नीकरणीय है, ये बना रहेगा, प्रदूषण फैलाएगा, लेकिन इसका अगर सही से नियंत्रित उपयोग किया जाए, इसको फिर से गलाया जाए, चाहे इसको रिमोट फिर से बनाया जाए, या बहुत सारी चेयर है, टीवी का कोई पार्ट है, स्टैंड है, कुछ भी हम बना ले, ऐसा कोई पेपर बना ले जिसको वॉल में हम लगा दें, और ड्रीम रूम कोई आपका हो उसको बना ले, उसमें स्टिकर्स लगा दें, उसमें इसका उपयोग कर ले, तो इस तरीके से क्या होगा, ये सही उपयोग होगा इसका। तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रदूषकों का पर्यावरण में प्रवेश होता है, जो भी प्रदूषक होते हैं, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, उनका पर्यावरण में कैसे प्रवेश होता है, निश्चित स्रोत होते हैं या अनिश्चित स्रोत होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे प्रश्न जब भी आए, आप क्या कुछ निश्चित डिफाइन कर सकते हैं कि कहां से प्रदूषण आया था, कैसे ये जल प्रदूषित हुआ था या वायु प्रदूषित हुई थी, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो निश्चित भी होता है और अनिश्चित भी होता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऐसे प्रश्नों को बहुत अध्ययन करके करने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे प्रश्नों में आप ध्यान से उसको पढ़िए और सोचिए जो आपके आसपास हो रहा है, क्या वो बिल्कुल डेफिनेट है कि ये पानी गंदा हो गया, पास में जो पानी था, अब बिल्कुल आप बता रहे निश्चित कहां से प्रदूषण आया, ऐसे आप प्रदूषक की डिफिनेशन नहीं कर सकते कि कहां से आया है। तो निश्चित स्रोत से भी आ सकता है, अनिश्चित स्रोत से भी आ सकता है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि प्रदूषकों के अनिश्चित स्रोत ऐसे विस्तृत स्रोत होते हैं जिनसे विसर्जित होने वाले प्रदूषक एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं, बिल्कुल सही है, लंबे स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, उसमें गलतियां कम होती हैं। दूसरा है, अनिश्चित स्रोतों से निकलने वाले जो प्रदूषक होते हैं उनका उपचार करना कठिन होता है। अगर आपको पता है कि अमुक घटना या अमुक चीज फला जगह से आ रही है, निश्चित स्रोत है उसका, तो आप उसको उपचारित कर देंगे। जैसे आपको पता है कि आपके सर में दर्द हो रहा है और वो किस कारण से हो रहा है, आप टैबलेट लेंगे, दवा खाएंगे और वो सही हो जाएगा, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इनमें फुंसी निकली इसके कारण से हो रहा है या कोई और दूसरा कारण है, इंटरनल कारण है या बाह्य कारण है, तो आप नहीं सही कर पाएंगे। ठीक ऐसे भी ये भी स्टेटमेंट है, अनिश्चित स्रोतों से निकलने वाले प्रदूषक का उपचार करना कठिन होता है और जो निश्चित स्रोत से होते हैं उनका उपचार करना आसान होता है। एक उदाहरण बहुत सटीक देता हूं, मान लीजिए आपको पता है कि गंगा प्रदूषित हो रही है और आपको पता है कि चमड़ा उद्योग है कानपुर में, और कानपुर के चमड़ा उद्योग के कारण गंगा प्रदूषित हो रही है क्योंकि उसका जल गंगा में सीधे गिरा दिया जाता है, जो वहां का मतलब खराब जो यूज्ड पानी होता है, सीवेज जो होता है वो वहीं पे ओपन कर दिया जाता है। आप क्या करेंगे, फैक्ट्रियों में जो ये लीकेज हो रहा है गंगा में सीधा, उसको बंद करा देंगे, निश्चित स्रोत था ना, पता चल गया ना। मेंस में ऐसे कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जब आप लिखते हैं तो छोटी छोटी बातें जब आप ऐसे डाल देते हैं, निश्चित स्रोत अनिश्चित स्रोत, तो लगने लगता है एक साइंटिफिक आंसर। ठीक है, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा क्योंकि केवल एक सही है। अगला जो प्रश्न है, वायुमंडलीय प्रदूषकों की सांद्रता निर्भर करती है, किस चीज पर वायुमंडलीय प्रदूषकों की सांद्रता निर्भर करती है, वायुमंडल में उसके भार पर, वायुमंडल में उत्सर्जित कुल द्रव्यमान पर, वायुमंडल में उत्सर्जित कुल संख्या पर, या इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वायुमंडलीय जो प्रदूषक हैं उनकी सांद्रता के बारे में अगर आपको बात करनी है तो आपको देखना पड़ेगा कि उसका जो कुल भार है, द्रव्यमान क्या है, उसका द्रव्यमान जो है वायुमंडल में जो उत्सर्जित कुल द्रव्यमान है प्रदूषक का, भार नहीं, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या दिखाता है, भार और द्रव्यमान में आपको अंतर पता है, भार और द्रव्यमान में आपको अंतर पता है, द्रव्यमान m होता है और भार mg होता है, ठीक है ना, इतना तो फिजिक्स में हमने शायद किस क्लास में आपको बताया ही था। तो उसके द्रव्यमान को हम देखेंगे, वायुमंडल में जो उत्सर्जित उसका कुल द्रव्यमान है उसको हम देखेंगे, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे हवा में तैरता हुआ एरोसोल है,
तो एरोसोल से जो कि ठोस और तरल से बना होता है उसको हम देखेंगे तो कितना द्रव्यमान उसका है ये देखेंगे ना, ये थोड़ी देखेंगे भार क्या है या ये उसकी संख्या कितनी है, द्रव्यमान कितना है वैसे ही वो इफेक्ट करेगा। अगला जो प्रश्न है, वायुमंडल में वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोतों में शामिल क्या है। प्रश्न ये है कि जो वायु प्रदूषण होता है उसके जो प्राकृतिक स्रोत है उनमें कौन कौन से स्रोत शामिल है। पहला इसमें है पराक्रम, दूसरा है धूल, तीसरा है धुआं और चौथा है उपरोक्त सभी। मैं आपको बताना चाहता हूं, परागकणों से भी वायु प्रदूषण होता है। परागकण क्या होते हैं? जो पेड़ पौधों में जो जनन होता है उसमें परागकण का स्थानांतरण होता है। अपने वो भंवरों ने खिलाया फूल, वो सुना है ना, तो भंवरा बड़ा काम करता है इसमें। आप याद रखिएगा, साइंस का एक प्रश्न आपका तैयार हो रहा है गाने से। धूल से भी होता है और धुएं भी होते हैं, वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत है। धूल बहुत हो गई, हम आप तो वायु प्रदूषण को ऐसे ही जानते, बड़ा धूल लकड़ वाला धुएं वाला माहौल है, ठीक है ना। तो ये सब कारण हो सकते हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जब रोड बनती है तो रोड से बनती है तो आप देखते हैं कुछ धूल होती है, ठीक है ना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लाइफ भी आपकी ऐसी ही होती है। अगर आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं तो पहले आपको उखड़ना होगा। रोड जब अच्छी बनने वाली होती है तो पुरानी रोड टूटती है और वो उखड़ के ऐसे रूप में आ जाती है कि आपको देख के लगता है कि ये कितनी खराब रोड है, इसकी स्थिति कभी सुधरने वाली नहीं है। आपकी जिंदगी भी जब ऐसी टूटन पे हो तो समझ लीजिए कि एक अच्छी रोड पे वो अब चलने वाली है, वो एक बन के तैयार होने वाली है, ऐसी रोड जिसको देख के तबीयत खुश हो जाएगी। आप उस पर 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तभी झटके नहीं लगेंगे, आप जिंदगी में ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो कभी भी जब टूटने लगी तो ऐसे ही कंस्ट्रक्शन को याद करिए, जो रोड बन रही थी या कुछ ऐसा टूट रहा था। मकान भी ऐसा ही होता है, अगर कोई पुराना मकान टूटकर नया बनता है। लेकिन रोड का उदाहरण मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि जिंदगी में हमको चलना होता है, आगे बढ़ना होता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करिए और उसका पहला स्टेटमेंट है, जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से निकलने वाली कई गैसें प्राकृतिक प्रदूषण है। बिल्कुल सही है, प्राकृतिक प्रदूषण ये हो सकती है। जैविक पदार्थ है, प्रकृति में पाए जाते हैं, वो सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, उनसे गैसें निकल रही हैं, तो प्राकृतिक प्रदूषक है। जो स्रोत होगा स्रोत पर ही तो डिपेंड करेगा कि वो प्राकृतिक है या मानव जनित है। अगर मनुष्य ने उसको बनाया, जैसे कोरोना क्या हो सकता है, ये भी एक प्रदूषक ही है। हमको सांस नहीं लेने दे रहा है, हमको कोई चीज छूने नहीं दे रहा है, एक दूसरे को छूने में डर लग रहा है। बहुत कोई खास हो जो रोज मिलता था, चिपक के बैठता था पार्क में, आजकल पार्कों में भीड़ नहीं है। उसका कारण क्या है? गवर्नमेंट बैठने दे रही नहीं दे रही है, वो तो एक कारण है। लोगों की हिम्मत भी नहीं पड़ रही है, हो सकता है लड़की वाले के फैमिली में ऐसा लड़का सोच रहा है, हो सकता है लड़के वाले की फैमिली में हो ये लड़की सोच रही है, एक दूसरे से वो चिपक नहीं रहे। कोरोना ने तो जुदा कर दिया प्रेमियों को, लंबी लंबी पूरे दिन की ऐसी उसमें एक बैठक ही चलती थी, एक बैठक होती थी कि आप पूरा दिन देखेंगे कि फेविकोल का जोड़ है टूटेगा नहीं, चिपके बैठे रहते थे। जून की दोपहर ही चिपके सटे बैठे हैं पसीने से तरबतर, लेकिन कोरोना ने झटके से अलग कर दिया। तो प्रेम रूपी प्रदूषक ये भी है ना, प्रेमियों को अलग करने वाला। जितने लोगों का इसमें एक्सपीरियंस है सब मुस्कुरा रहे हैं इस समय, है ना, और जिनका नहीं है वो गुस्सा रहे हैं कि ये फालतू की कथा क्यों। अब मैं मुस्कुरा रहा हूं तो इसका मतलब ये है, ठीक है। जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से निकलने वाली कई जो गैसें हैं वो प्राकृतिक प्रदूषक हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। और प्राकृतिक निष्कासनों की सांद्रता अधिक होती है और उनसे गंभीर हानि होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पे भी प्राकृतिक शब्द आएगा तो वहां निष्कासनों की सांद्रता वहां बहुत अधिक नहीं होगी। नेचर हमेशा अपने को बैलेंस कर लेता है, दिक्कत तब होती है जब इंसान उसमें गड़बड़ घुसेड़ करता है, समझ रहे हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है कि प्राथमिक प्रदूषक वायुमंडल में अनेक स्रोतों के द्वारा सीधे प्रवेश कर जाते हैं। सीधे जो प्रवेश करते हैं उन्हीं को हम प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। प्राथमिक प्रदूषक की परिभाषा यही होती है कि वायुमंडल में अनेक स्रोतों से जो सीधे प्रवेश करते हैं, और द्वितीयक प्रदूषक वो होते हैं जो प्राथमिक वायु प्रदूषक तथा अन्य वायुमंडलीय अवयवों जैसे जलवाष्प के आपस में रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य चीजों की प्रतिक्रिया या क्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो जो सीधे प्रवेश करते हैं वो प्राथमिक प्रदूषक है, बिल्कुल सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड जीवाश्मी ईंधन के रूप में जलने से बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जीवाश्म ईंधन के पूर्ण रूप से नहीं जलने पर बनता है, यहां पर दिया है ईंधन के पूर्ण रूप से जलने पर बनता है। जब पूर्ण रूप से दहन नहीं होगा
तो कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें से निकलेगा, बचेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, पूर्ण दहन अगर हो गया तो ऐसा नहीं होगा, तो ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कौन सी गैस सिगरेट के धुएं में उपस्थित रहती है, किसने किसने छल्ला बनाया है, कमेंट करके मत बताना, बदनामी होगी आपकी, वो तो अलग बात है। दूसरा, इतनी ज्यादा मेजोरिटी होगी, 90% ऐसे वोट आ जाएंगे, तो जो 10% नहीं बनाए हैं वो भी सोचेंगे कि बना लिया जाए, बिल्कुल कमेंट नहीं करना है जिसने इसलिए बनाया है, आगे से मत बनाइएगा, ये वादा करना है। कौन सी गैस सिगरेट के धुएं में उपस्थित रहती है, ये आपको बताना है। कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, बिल्कुल होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड सिगरेट के धुएं में रहती है, और ये एक रहस्य के रूप में आपके फेफड़े में छुप जाती है, और जब रहस्य उद्घाटन होता है तो निकलता है कैंसर, है ना, तब क्या निकलेगा, कैंसर। पता चला रहस्य उद्घाटन होने से पहले ही आदमी टुन्न हो गया, तो ये सब थोड़ा सा बुरी आदत है, दूर रखिए। कैपेसिटी भी डाउन होती है, स्टेमिना आपका डाउन होता है, आप पढ़ नहीं पाएंगे, देर तक दौड़ नहीं पाएंगे, सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी तो लिफ्ट खोजने लगेंगे, है ना, साइकिल नहीं चला पाएंगे, क्या यार, वैसे जिंदगी में इतनी टेंशन है, किसी तरह से तो जी रहे हैं हम लोग, अपने आप क्यों जिंदगी कम करें, सुट्टा मार के, ये सब मत करिए। अगला जो प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड सभी जंतुओं के लिए हानिकारक है, सभी जंतुओं के लिए, बिल्कुल, जीव जंतु जितने भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड किसी के लिए सही नहीं है, आपके लिए कैसे सही हो सकती है, या आप मानिए कि आप जंतु नहीं है, आप उससे भी बड़े कुछ निकृष्ट कोटि में पैदा हुए हैं, तो सिगरेट पीजिए। श्वसन के साथ अंदर जाने पर यह रक्त की ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को कम कर देती है, इसमें दिया बढ़ा देती है, तो यह गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। अगला जो प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है, अयस्क प्रगालक तथा तेल शोधकों से भी सल्फर डाइऑक्साइड की महत्वपूर्ण मात्रा का उत्सर्जन होता है। जो अयस्क प्रगालक होते हैं, जहां पे अयस्कों को प्रगलित किया जाता है, गलाया जाता है, या जो तेल शोधन शालाएं होती हैं, वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की महत्वपूर्ण मात्रा का उत्सर्जन होता है, बिल्कुल सही है, और वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता गंभीर श्वसन समस्या को जन्म देती है, ये भी बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही, समझाने लायक इसमें कुछ नहीं है, याद रखिए। नाइट्रोजन ऑक्साइड हृदय तथा फेफड़े की समस्याओं को बढ़ाती है, बिल्कुल सही है, अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड बढ़ेगा, आपके शरीर में इनहेल करेगा, आपके जाएगा फेफड़ों में, तो आपके हृदय और फेफड़ों की समस्याओं को ये बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। और नाइट्रोजन ऑक्साइड का अम्ल वर्षा में कोई योगदान नहीं होता है, अम्ल वर्षा के बारे में मैंने आपको बताया था, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्ल वर्षा को बढ़ाता है, क्योंकि वो जल की बूंद के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल बनाता है, NO3 बनाता है, नाइट्रिक अम्ल बनाता है, नाइट्रिक अम्ल के साथ अन्य अम्ल भी बनाता है, लेकिन नाइट्रिक अम्ल इसमें विशेष होता है, तो दूसरा गलत है। अम्ल वर्षा में और कौन कौन सी जो गैसें होती हैं योगदान देती हैं, जरा कमेंट करके बताइएगा, मैं जो कर रहा हूं कुछ आपको आ भी रहा है कि मैं फालतू यहां पड़पड़ाया करता हूं, ये चेक करने के लिए मैं बीच बीच में प्रश्न पूछ लेता हूं कि मैं जो कर रहा हूं कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। अगला जो प्रश्न है, द्वितीय प्रदूषक का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, द्वितीय प्रदूषक का सबसे अच्छा उदाहरण प्रकाश, रासायनिक, धूम, कोहरा है, ठीक है, द्वितीय प्रदूषक के बारे में मैं बता चुका हूं, जो सीधे प्रवेश नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ उनको बहाना चाहिए, दूसरे पे निर्भर करते हैं, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, अम्ल वर्षा में वायुमंडल में अम्ल धरती पर जमा होता है, क्या ये सही है, और अम्ल का जमाव आर्द्र या शुष्क हो सकता है, तो जमाव हो रहा है भाई, अम्ल का आर्द्र भी हो सकता है और शुष्क भी हो सकता है, ह्यूमिड भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है, जैसे भी इसको कह लीजिए, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले से चलने वाले बिजली घरों में से निकलने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल योगदान देता है किसमें, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है कोयले से चलने वाले जो बिजली घर है, जो खास करके जो NTPC के प्लांट है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के जो प्लांट है, वो कोयले से बिजली बनाते हैं, और जब ये चलता है तो इसमें से क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड इससे निकलते हैं, और इससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी निकलता है, ये अम्ल वर्षा की समस्याओं में अपना योगदान देता है, अम्ल वर्षा कराने में मदद करता है, इस तरीके का प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच एक सांख्यिकीय मूल्य है जिससे नापा जाता है, क्या मापा जाता है पीएच से, पीएच से क्या अम्ल मापा जाता है, या क्षार मापा जाता है, या अम्ल क्षार दोनों मापा जाता है, या जीव जंतुओं में रक्त की मात्रा मापी जाती है। पीएच वैल्यू के बारे में एक दिन हमने पूरा डिस्कशन किया था, अम्ल क्षार और लवण वाला जो चैप्टर था, बहुत कम लोगों ने उसको देखा, क्योंकि सब अम्लीय है, सब क्षारीय है, आपके शरीर से कुछ अम्ल आप निकालते हैं और कुछ क्षार निकालते हैं,
तो आप सोचते हैं सब आपको आता है। जिन लोगों ने देखा अच्छा किया, यहाँ पे पीएस नहीं बताऊंगा, जिनको देखना हो क्लास देखिए जाके। मैं रोज रोज फालतू में पढ़ाया करता हूँ, ठीक है ना। तो ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, बाकी मैं नहीं बताऊंगा। सात से कम होता है, ज्यादा होता है, सब जाके वही सीखिए। अगला जो प्रश्न है, अम्ल वर्षा से मृदा उर्वरता पर क्या असर पड़ता है। अम्ल वर्षा होगी तो मृदा उर्वरता खूब बढ़ जाएगी, ऐसा होगा, अच्छा असर पड़ेगा। अम्ल वर्षा का नाम ही बुरा है, और बचपन से जब से हम पढ़ते आए हैं तो अम्ल वर्षा अम्ल वर्षा अम्ल वर्षा बार बार यही पढ़ते आए हैं कि ये कुछ गड़बड़ ही होती है। तो भैया जब शुरू से बचपन से पढ़ते आए तो क्या गलत पढ़ रहे थे, बेवकूफ बनाया जा रहा था हमें, बिल्कुल सही पढ़ रहे थे, बुरा असर ही पड़ता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, भूलिएगा नहीं पूरे जीवन। तो ये आज के जो टॉपिक के 20 क्वेश्चन थे ये हमने पूरा कर लिया, लेकिन 10 अभी और बचे हैं जो बड़े कष्टदायी क्वेश्चन है, करंट अफेयर के प्रश्न है, और अब आपका स्टेमिना जवाब दे रहा है, उसको बढ़ाइए और बैठ के पढ़िए। अगला जो प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न, ट्रांस यूनियन CIBIL के सहयोग से किस वित्तीय संस्थान ने MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया। कौन सा ये वित्तीय संस्थान है बता दीजिए। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सिडबी के नाम से जाना जाता है। तो सिडबी ने अभी एक ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम है सक्षम। ये वित्तीय शिक्षा देगा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो MSME हैं, उनको वित्तीय तौर पर जागरूक करने के लिए कार्य करेगा। तो किसने किया है, सिडबी ने, मामला कुल इतना है। हाँ, ये जो परीक्षाएं हैं बीओ की और आरओईआरओ की, ये सब परीक्षाएं अपने टाइम पर होंगी। जो प्रभात कुमार सर हैं वो ऐसे किस्म के इंसान हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते, केवल अपने मन की करते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं आप लोग डिसाइड करिए, लेकिन वो परीक्षा नहीं टालेंगे। 2-4-10 लोग कोरोना में शहीद हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जनसंख्या यूपी की बहुत ज्यादा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा वो सोच रहे हैं। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, हिम्मत पड़ेगी पेपर देने जाइएगा, और जाइए अच्छे से, ये मास्क लगाइए खूब बढ़िया से, N95 मास्क लीजिए लगाइए, सैनिटाइजर जेब में रखिए, खूब अच्छे से हाथ धुलिए बार बार, और कोशिश करिए कि आप अपने साधन से जा सके, है ना, बाइक से चले जाइए अगर 100 किलोमीटर के अंदर आपका सेंटर है, और सेंटर बहुत दूर नहीं जाएंगे। हाँ, उनके लिए समस्या हो सकती है जो दिल्ली में थे, सेंटर वहां के हिसाब से दिए थे, अब घर चले आए पता चला वो चंदौली पहुंच गए, या कोई वो बनारस पहुंच गए, या हो सकता है कोई गोरखपुर में हो और उसका सेंटर वहां है, ऐसे लोगों के साथ वास्तव में समस्या है। ऐसे लोगों के लिए आयोग को कुछ करना चाहिए। अब मैं तो अध्यक्ष हूं नहीं, मैं होता कुछ भी होता मैं आयोग में ना, तो मैं कुछ करवाता जरूर। अगला जो प्रश्न है, निजी क्षेत्र के द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों और इसरो सुविधाओं के उपयोग को विनियमित करने वाली नोडल एजेंसी का नाम क्या है। निजी क्षेत्र द्वारा जो अंतरिक्ष गतिविधियां हैं और इसरो जो सुविधाएं देती हैं उनको विनियमित करने की बात हो रही है, और इसके लिए एक संगठन जो हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो है, उसने अभी एक घोषणा की है, एक वो बनाने जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, जिसको इन स्पेस के नाम से जाना जाता है, भारतीय इन से भारतीय हो गया, फिर राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, तो ये इन स्पेस है, इसका गठन किया जाएगा। ये इसरो की जो सुविधाएं हैं उनके उपयोग को विनियमित करने वाली एकल नोडल एजेंसी होगी, तो इसका नाम इन स्पेस रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन स्पेस की स्थापना के लिए जो मंजूरी थी वो दे दी है। एक अलग निकाय गठित किया जाएगा, एक अलग निकाय बनाकर इन स्पेस को बनाया जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, साइंस टेक का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा भविष्य का। अगला जो प्रश्न है, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है। मानव तस्करी, बताइए तस्करी भी मानव की, कौन करता है, मानव, और कोई जानवर किसी जानवर को नहीं बेच सकता, लेकिन ये मनुष्य ऐसा जानवर है जो मनुष्य को ही बेच डालता है। भैंस कभी भैंस को नहीं बेचती, बकरी कभी बकरी को नहीं बेचती, मनुष्य बकरी को भी बेचता है, मनुष्य मनुष्य को भी बेचता है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये नकारात्मक ज्यादा कर रहा है आजकल। और मानव तस्करी करने की क्या जरूरत है भैया, मानव तस्करी के विरुद्ध दिवस मनाने की क्यों जरूरत है, क्योंकि तस्करी होती है, 30 जुलाई को मनाया जाता है, सर माना चाहिए सबको, डूब के मर जाना चाहिए, है ना, कि मानव की भी तस्करी हो जाती है, मानवता के खिलाफ है ये सब। भगवान भगवान हमने बनाए, लेकिन हम भगवान को बना के भूल गए, अब उनकी ना पूजा करते हैं ना उनसे डरते हैं,
यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस ये मनाया जाता है। कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। शर्म की बात है ना, ये समझ लीजिए। और ये जो तस्करी होती है इसमें सबसे जो पीड़ित वर्ग है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, महिलाओं की तस्करी होती है। और इसके बाद में अगर जो पीड़ित वर्ग है उसके बारे में आप बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पीड़ित वर्ग है उसमें सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं, 1/3 इसमें बच्चे होते हैं, बच्चों की तस्करी। शर्म की बात है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। किस व्यापार संघ ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया? हमारे यहाँ का एक व्यापार संघ है जिसकी स्थापना बहुत पहले हो चुकी थी, मैं इतना हिंट आपको कर रहा हूँ, आज से 125 साल पहले, बहुत पहले हुई थी। कई बार में बार इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है, 1895 में हुई थी, 1895 में होगी, हाँ तो 125 साल हो भी जाएंगे। CII के बारे में आप जानते हैं, CII जो है उसने अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया है। और हमारे यहाँ के जो वाणिज्य मंत्री हैं, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री कौन है, पीयूष गोयल जी ने अभी इसमें सिंगल विंडो की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत चल रहा है अभियान, जिसका कोई मुझे लाभ नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि लाभ हो नहीं रहा है, हो रहा होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो वो जो चल रहा है उसमें व्यापार में आसानी हो और ये सब सारी चीजें हो डिजिटलीकरण करने के लिए ये राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया, तो ये CII के द्वारा किया गया था इसके तत्वाधान में। अगला जो प्रश्न है, सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? जुलाई 2020 की बात है, ये जुलाई खत्म हो गया ना, आज 1 अगस्त है। और जो ये कंपनी है ये अमेजॉन नहीं है, अमेजॉन के मालिक सबसे बड़े हैं। और ये जो कंपनी है, ये कंपनी है स्टीव जॉब्स के द्वारा बनाई गई, ये कंपनी स्टीव जॉब्स ने बनाया था ये कंपनी, और तब सोचा नहीं था कि इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा, इतना पैसा है इस कंपनी के पास, इसको समझ में नहीं आता है कहाँ पे इन्वेस्ट कर, है ना। एप्पल, मैं एप्पल की बात कर रहा हूँ, एप्पल के जो प्रोडक्ट हैं वो बड़े महंगे हैं, लेकिन इसमें क्वालिटी भी होती है। पहले मुझे भी लगता था कि ये बड़े महंगे नाजायज होते हैं, मैंने पहले भी इस पे चर्चा की थी, लेकिन जब आप इसको यूज करेंगे, जैसे सेलेक्ट होंगे ना, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, जैसे आप बन जाएंगे, अपने सपने को साकार कर लेंगे, तो आप अपनी जिंदगी को बड़े अच्छे से जिएगा। कभी कभी हम बड़े संकुचित हो जाते हैं, लेकिन कई बार हमको कुछ प्रेरणा मिलती है और हम फिर से वैसा जीने लगते हैं, या हम कुछ मतलब भौतिक चीजों को इकट्ठा करने की बात हम नहीं कर रहे हैं, या मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन आप जो चाहिएगा उसको करिएगा जरूर। तो एक बार तो एप्पल की डिवाइस भी बनती है। स्टीव जॉब्स ने, ये सब मैं बात क्यों कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि एप्पल का कुछ मुझे 1000-1500 रुपया उसने दिया कि आज के उसमें बोल देना एक आध मोबाइल फोन बिक जाएगा, इसलिए नहीं, कुछ ऐसा करके आपको भी जाना चाहिए कि आप चले जाए, चले गए तो क्या फर्क रहा यार, एक दिन कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन तो हमको जाना ही है, लेकिन कुछ तो छोड़ के जाए, और वो अच्छाई में हो तो ज्यादा अच्छा। ऐसा कुछ बना के आप जाए जो ब्रांड बन जाए यार, ऐसा कुछ करके आप जाए। तो एप्पल कुछ ऐसा ही है, एक क्रेज होता है, 100-100 लाख रुपए लोग फोन पे खर्च कर देते हैं। आप सोचिए 1.25 लाख रुपए में कई बार किसी की पूरी जिंदगी चल जाती है, और किसी के लिए एक फोन EMI पे, खैर EMI की तो आप बात ही मत कीजिए, 2.5 लाख की जीन्स भी लोग EMI पे ले लेते हैं, और वो जीन्स भी पूरी नहीं होती है, घुटने पे फटी, नीचे फटी, आगे फटी, पीछे फटी, भाई ठक क्या रहे हो उससे, लेकिन उसकी जो EMI है महीने की 18,000 रुपये जा रही है, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए की एक जीन्स पैंट, है ना। और हम जैसे लोग तो उसको यही मानेंगे 2-4 हजार की होगी, हो सकता है कि आप उसको देखें तो आपको ये लगे तो ये कहीं चुरा के लाया है, और निकालते में घर से वो फट गई है, वो मैं नहीं कह रहा हूं, आप ऐसा करिए कि सब कुछ बेच के जीन्स पैंट खरीद लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ देखिए कि ये लोग किए क्या है, वास्तव में छोड़ के गया है स्टीव जॉब्स। एक किताब है स्टीव जॉब्स की जीवनी, उसको पढ़िएगा, मैंने पढ़ी है, मुझे अच्छी लगी, है ना, कैसे कैसे व्यक्ति बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच जाता है, और फिर जब वो जाता है दुनिया को छोड़ देता है तो कुछ उसकी चीजें जब रह जाती हैं, और वो ऐसी चीजें रह जाती है जो आज भी ब्रांड बन के बैठी है, जिंदा व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, मरा हुआ करके चला गया, मतलब मरा हुआ नहीं करके फिर मरा। अगला जो प्रश्न है, कभी कभी मैं ज्यादा बहक जाता हूँ ना, ठीक है मैं बहक जाता हूँ, इससे आप लोगों की जो मुसीबत है वो कम हो जाती है, कुछ किस्से कहानी जो इसमें आपका मन लगता है वो हो जाता है,
ऐसा नहीं, आप लोग बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं मैं जानता हूँ। अच्छा ये कुछ फैक्ट मैंने इसमें नहीं बताया कि जो एप्पल है, एप्पल ये कैसे क्या हुआ, तो ये लॉकडाउन के दौरान जो ये हम लोग काम कर रहे हैं ना पढ़ने पढ़ाने का, तो इसमें पढ़ाई तो चली रही है, वर्क फ्रॉम होम से ये डिवाइसेस जो है इनका उपयोग भी बढ़ा है, तो ऐसे में एप्पल की डिवाइसेस ज्यादा बिकी है, तो ऐसे में इसको मुनाफा हुआ है, 10% ज्यादा इसका हो गया है, और शेयर भी इसका बढ़ा और इसका स्टॉक एक्सचेंज बढ़ गया। अब इसमें आंकड़े क्या है इस पे जाने की जरूरत नहीं है, और फिर ये बड़ी कंपनी हो गई सबसे बड़ी। ठीक है, भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपको याद होगा 25 जुलाई 2019, याद है 25 जुलाई 2019 को एक कानून पारित किया गया, 19 में पारित किया गया था ना, 25 जुलाई 2019 में, और वो कानून था ट्रिपल तलाक विधेयक। ट्रिपल तलाक विधेयक मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिलाता है, अगर कोई उसको परेशान करता है मुस्लिम महिला को, और केवल उसको इस मतलब बस 3 बार बोला तलाक दे देता है, तो इसके खिलाफ भी कुछ जस्टिस पा सकती है, नहीं तो वो धर्म के मुताबिक तो उसमें कुछ ऐसा स्थान ही नहीं था। तो इसी की खुशी में 1 अगस्त को चुना गया है, 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जा रहा है, ये पहला है। ठीक है ना, तो 1 अगस्त ये ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, और राज्यसभा के द्वारा ये 25 जुलाई को लोकसभा में पास हुआ था, ये ध्यान रखिएगा 25 जुलाई को, और राज्यसभा के द्वारा ये 30 जुलाई को पास हुआ था। तो ये सब ताजा ताजा मामला, उस समय भी साल भर का मामला ताजा ही है, और इसको मैं अच्छा मानता हूं, एक अच्छा कदम था गवर्नमेंट का। अगला जो प्रश्न है, जॉन लुइस कौन थे? जॉन लुइस, अब आप सोचेंगे लुइस जिसके जान थे वो जाने, ठीक है, लेकिन ये जॉन लुइस जो थे ये केवल उनके जान ही नहीं जानेंगे, आपको भी जानना पड़ेगा, कुछ जान ऐसे भी होते हैं जो सबके जान बन जाते हैं, क्योंकि अगर इनको नहीं जानेंगे, अपनी जान को भूल कर आप एग्जाम देने जाएंगे, सारे प्रश्न सही करके आएंगे, लेकिन इस जान को भूल के जाएंगे तो एक आध प्रश्न गलत कराएंगे, एक प्रश्न अगर पूछा जाएगा। ये अमरीकी राजनेता और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे, अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र के मुद्दे पर, मानवाधिकार के मुद्दे पर, न्याय के मुद्दे पर, समानता के मुद्दे पर इनको याद किया जाता है। महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के काम से ये बहुत प्रभावित थे, गांधी बाबा से तो सब लोग प्रभावित होते हैं, मैं भी प्रभावित हूँ, लेकिन भारत गुलाम ही नहीं है, मैं आजाद कैसे करूँ? कई लोग तो ऐसे सोचते हैं मैं भी गांधी बन जाता अगर भारत गुलाम होता, ऐसी सोच मत रखिए भाई, भारत गुलाम होगा तब आप गांधी बनेंगे, कुछ नया और करिए ना। तो कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की यात्रा पर उन्होंने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के दर्शन को लागू करने के लिए गांधी किंग एक्सचेंज अधिनियम बनाया था, ये मतलब ये अमेरिका में ऐसा हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा ये घटना उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अमेरिकी राजनेता और नागरिक अधिकार कर्ता थे, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, गैमलेया संस्थान जिसने हाल ही में COVID-19 बीमारी का इलाज करने वाले टीके को लॉन्च करने की घोषणा की, इसमें लिखा है टीके को लंच करने की घोषणा की, टीके का लंच तब करेंगे जब लॉन्च हो जाएगा, ठीक है ना, और लंच नहीं, लंच भी करेंगे, ब्रेकफास्ट भी करेंगे और डिनर भी करेंगे, मिले तो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये लॉन्च होगा तो ये बड़ा इसकी तस्करी चालू होगी, और ये बड़ा महंगा भी, ब्लैक मतलब ब्लैक में जाएगा ये, पक्का मैं बता रहा हूँ, और आदमी इतना डरा है सहमा है, और मुझे तो कई बार लगता है कि ये पूरा फैलाया ही इसीलिए गया था कि भविष्य में साल 2 साल बाद जो बिजनेस होगा कितने अरब खरब रुपए का होगा, है ना, एक एक टीका 5-5 हजार, 10-10 हजार नहीं, 50-50 हजार का भी अगर गारंटेड बताया जाए कि कोरोना, तो हम मास्क लगाने की जगह टीका खरीदना पसंद करेंगे। तो ये जो गैमलेया संस्थान है, इसने वहां के फंड को यूज करते हुए, रसिया के फंड को यूज करते हुए, रसिया में जो फंड बनाया गया था, राहत कोष जो बनाया गया था इस टीका को, रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष, रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष का इस्तेमाल करके गैमलेया संस्थान ने इसको बनाया है, और 12 अगस्त 2020 को ये कह रहा है कि हम लॉन्च कर देंगे, क्या होगा ये बाद में देखा जाएगा, 10-11 दिन बचे हैं, पैसे से इकट्ठा कर लीजिए, गुल्लक गुल्लक फोड़ने की तैयारी बना लीजिए, ठीक है ना। लेकिन मुझे भी अगर टीका खरीदना पड़ेगा तो उसके लिए मेरे पास तो यही है कि मैं मास्क पहनना ज्यादा पसंद करूंगा, है ना, बचाव मैं करूंगा, क्योंकि टीका विकसित हो जाने से भी ऐसा नहीं कि बीमारी एकदम मिट जाएगी, क्योंकि सबका टीकाकरण करना पड़ेगा। अगला जो प्रश्न है, सेफगार्ड ड्यूटी का प्रावधान किया गया है किस एक्ट के द्वारा? सबसे पहले तो ये जानिए कि सेफगार्ड ड्यूटी है क्या। अब ये मुद्दा क्यों चर्चा में आया है? ये मुद्दा इसलिए चर्चा में आया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो सोलर अभियान ये चलाया जा रहा है ना,
तो सोलर जो अभियान है इसके तहत जो भी चीजें हो रही हैं, इसमें जो इक्विपमेंट है वो बाहर से मंगाए जा रहे हैं, खास करके चाइना से मंगाए जा रहे हैं। और 31 जुलाई 2021 तक अभी इसके प्रति जो सोलर सेल है इस पर सेफगार्ड ड्यूटी बढ़ा दी गई है 31 जुलाई 2021 तक। ऐसा क्यों किया गया है? आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए। अगर कोई देश हमारे यहाँ सस्ता माल बेच देगा तो हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्री है, जो हमारे यहाँ का उद्योग है, वो उसका लाभ नहीं उठा पाएगा। चाइना यही तो करता है। तो सेफगार्ड ड्यूटी जो होती है ये मतलब एक ऐसा प्रावधान है जीएटीटी टेरिफ और व्यापार पर सामान्य जो समझौता है 1994 में हुआ था उसके तहत ये कि ऐसा प्रावधान है जिसमें अगर हम चाहें तो सेफगार्ड ड्यूटी लगा के मतलब विश्व जो व्यापार संगठन है उसके सदस्य देश इसको लगाते हैं, भारत भी उसका सदस्य है, तो एक सदस्य को अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए किसी उत्पाद के आयात को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने की ये अनुमति देता है। यानी सेफगार्ड ड्यूटी हम लगा देंगे, उनका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा तो हमारे यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो बिक जाएगा, तो आयात पर ये लगा दिया जाता है। चाइना के साथ हम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? चाइना ने सब कुछ हमारे साथ किया है बदतमीजी, तो हम ये भी, हम तो ये तमीज से काम करेंगे। अगर आप बीओ आर ओ आर ओ या यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो आप हमारे क्रैश कोर्स या टेस्ट सीरीज प्रोग्राम का लाभ उठा सकते हैं। अन्य भी हमारे पास कई प्रोग्राम है, उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो आईएएस प्रेप एकेडमी का ऐप लॉन्च हो चुका है, बहुत दिन हो गए हैं, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और आप उसमें देखिए, कोर्स भी उसी पे मिलते हैं। हिंदी अगर आर ओ आर ओ आप दे रहे हैं तो हिंदी का क्रैश कोर्स है, उसमें टॉपिक वीडियो और सिलेबस मटेरियल सब आपको मिलता है, टेस्ट भी उसमें होते हैं, तो ये सब आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो 6307281212 है, इस पर आप व्हाट्सएप करके कोशिश कीजिएगा व्हाट्सएप करने की। जब बिल्कुल नहीं चलेगा, मन बिल्कुल मान ही नहीं रहा है कि मैं बात करके रहेंगे ही, तो फोन कर लीजिएगा, हो सकता है दो चार बार ना उठे, गुस्साइएगा नहीं, है ना, मुझे गाली वाली मत दीजिएगा, मैं उठा लूंगा, जवाब दे दूंगा, व्हाट्सएप पे जानकारी आप ले सकते हैं। अंतिम प्रश्न है, संकट खत्म हो रहा है, परसेवेरांस क्या है? परसेवेरांस अच्छा प्रश्न है ना, अच्छा प्रश्न जानते हो क्या होता है? जो प्रश्न हमको ना आए, कठिन लगे, वो अच्छा प्रश्न होता है। जो प्रश्न सर भारत की राजधानी क्या है, घटिया प्रश्न। तो परसेवेरांस जो है ये मार्स का रोवर है, मार्स रोवर ये है। नासा ने एटलस रॉकेट पर केप कैनेवरल फ्लोरिडा से, केप कैनेवरल कहाँ है, फ्लोरिडा में, वहां से परसेवेरांस नाम का अपना मार्स रोवर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो नासा का है, एक बड़ी कार के आकार का ये वाहन है और हेलीकॉप्टर के साथ इसको भेजा गया है। इनग्यूनिटी का नाम सुना होगा ना, जिसे इंजेनिटी भी कहते हैं, इंजेनिटी के बारे में हमने चर्चा की थी, नासा ने इसको डेवलप किया था। तो ये इंजेनिटी जो है हेलीकॉप्टर के तौर पर हमने प्रश्न किया था, जुलाई का करंट अफेयर कल जारी हो जाएगा, उसमें ये प्रश्न फिर से आपको मिलेगा। तो इंजेनिटी मिशन से जुड़ा हुआ हेलीकॉप्टर जो था उसी के जरिए ये रोवर लॉन्च किया गया है। तो संकट आपका समाप्त हुआ, ये क्या है, मार्स रोवर, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कल मिलेंगे फिर से 8 बजे के आसपास, थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, फिर ऐसे ही हम बोलेंगे, आप सुनेंगे, प्रश्नों को तैयार करेंगे, परीक्षा देंगे, पास हो जाएंगे और नौकरी पा जाएंगे, और फिर एप्पल वाला फोन जरूर खरीदेगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।